क्या आप सभी इस बात से सहमत हैं? बोलिए, अगर जगत जननी जगदम्बा मैया है तो जगत जननी जगदम्बा मैया को ईमानदारी से बताइए, क्या किसी मुर्गे बकरे की बलि की जरूरत है? क्या वो खून के प्यासी है? मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, ऐसे पाखंडों का विरोध होना चाहिए। हम धर्मात्मा बने, पुण्यात्मा बने, भक्त बने, लेकिन ये ध्यान रहे कि हम अंधविश्वास के चक्कर में पड़ करके किसी जीव का हिंसा न कर दें, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। अच्छा, आपने कभी विचार किया कि आपको जब डॉक्टर सुई लगाते हैं तो आपके एक पतली सी सुई से महाराज आप 3.5 हाथ के शरीर वाले, उसके बाद भी थोड़ा सा तो प्रभाव पड़ ही जाता है। और जिसका गला काटा जाता होगा, ईमानदारी से बताइए, उसको तो पीड़ा नहीं होती होगी? क्या उसको तनिक भी वेदना नहीं होती होगी? आजकल तो कई लोगों को हमने देखा है, मांस इस कदर लोगों के घर में प्रवेश कर गया है, लोग हमसे कहते हैं गुरुजी शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत रखते उस दिन नहीं खाते, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखते उस दिन नहीं खाते, सोमवार को शिव जी का व्रत रखते उस दिन नहीं खाते, बाकी अगर बृहस्पति और बुध ये 2 दिन ना मिले तुम्हारा चलता नहीं है। अच्छा बात बताओ, ये जो मांस आप खा रहे हैं, ईमानदारी से बताइए, इसमें मांस का स्वाद है कि शाकाहार का? बोलिए, शाकाहार का स्वाद है, क्योंकि उसमें तेल शाकाहारी, मसाला शाकाहारी, पानी शाकाहारी। अगर आपको मांस ताकत देता है तो आप मेरी बात मानिए, उसमें कुछ शाकाहारी मत मिलाइए, खाली मांस खाइए और उसको उसी रक्त में पका करके खाइए। अगर 1 साल से ज्यादा आप जीवित रह जाइए तो फिर मुझे बताइए। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। वो मांस का स्वाद नहीं है, वो सारा स्वाद शाकाहार का है। और कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों को जन्म देने वाला अगर कोई आहार है तो वो मांसाहार है। आप बताइए, आज ईमानदारी से बताइए, जो 100 वर्ष जी जाए ना उसको जानते हैं प्रमाण पत्र देना चाहिए, भारत सम्मान मिलना चाहिए, राष्ट्रपति सम्मान मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री सम्मान मिलना चाहिए, विश्व सम्मान मिलना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। 100 वर्ष जी गया, वरना तो 70, 80, 75, 50 में गोविंदाय नमो नमः। जितनी बीमारियां आज बढ़ी हैं, ईमानदारी से बताइए, इतनी बीमारियां कभी बढ़ती थी क्या? कोई ऐसा घर बता दीजिए जहां पर औषधि का प्रयोग न होता हो। और पहले की ऋषि हजार हजार वर्ष तक जीवित रह जाते थे, कैसे जानते हैं? बाबा जी लिखते हैं कैसे जीवित रह जाते थे। करहिं आहार साक फल कंदा, करहिं आहार साक फल कंदा, सुमिरहिं ब्रह्म है सच्चिदानंद, करहिं आहार साक फल, साक फल और कंदा। आजकल हर घर का सबसे सुबह का ब्रेकफास्ट जानते क्या होता है? गोभी पराठा, आलू पराठा, मेथी पराठा, पालक पराठा और ये कौन बीच होता है? हाँ, हम लोग तो कभी जानते नहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान की, सैंडविच। अच्छा, उसके बाद और तमाम चीजें। और आपसे मैं निवेदन करता हूं, सुबह का पहला जो आपका आहार होना चाहिए वो कोई अंकुरित अन्न होना चाहिए। आप कोई अंकुरित अन्न खाइए, सेव लीजिए, 1 गिलास दूध लीजिए, और इसके बाद दोपहर में दाल की मात्रा, साग की मात्रा ज्यादा करिए, सलाद की मात्रा ज्यादा करिए, रोटी कम करिए, चावल कम करिए। आप अगर आज के समय में भी 100-120 वर्ष ना जी जाइए तो फिर हमसे कहना, बोली सच्चिदानंद भगवान की जी। शाकाहार में वो ताकत है साहब, शेर मांसाहारी है आलसी हो जाता है, और हाथी शाकाहारी है वृक्ष को भी उखाड़ने का शक्ति रखता है, सामर्थ्य रखता है। बोली सच्चिदानंद भगवान की।
राजा प्राचीन वर्हि ने यज्ञ किया, तमाम पशुओं की बलि दे डाले, मन को शांति नहीं प्राप्त हुआ। तभी कान में आवाज आई, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण स्वागत किया राजा प्राचीन वर्हि ने। नारद जी ने कहा, भैया बड़े निराश दिखाई पड़ रहे हो, गुरुदेव इतना यज्ञ कर डाला, मन को शांति नहीं मिली। बोले, क्या आहुति में देते थे? कहा कि पशुओं की बलि देता था, पशुओं को काट करके बलि देता था। तो नारद जी ने कहा, तो जब तू पशुओं को मारता था तो क्या तेरे मन को शांति मिल सकती है? कहा, गुरुदेव अपने मन से नहीं, हमने वेद में पढ़ा है, पशु नाम आल भेद, मैंने पढ़ा है कि पशुओं को मारो। अच्छा, एक बात बताइए, व्यास जी ने लिखा कि पशु नाम आल भेद, तो क्या उसी व्यास जी ने फिर ये लिखा अहिंसा परमो धर्म? तो एक ही व्यक्ति क्या दो बातें लिख सकता है? एक तरफ लिखेगा किसी को मत मारो और दूसरे तरफ लिखेगा कि हिंसा करो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब व्यास जी ने लिखा कुछ, लेकिन हमने उसका अर्थ लगाया कुछ। अच्छा, हमारे पंडित जी बैठे हैं, विवाह कराते होंगे आप लोगों के यहाँ, तो विवाह पद्धति में एक जगह लिखा हुआ है। वैसे तो आजकल तो विवाह हुआ भी एकदम खाली एक मजाक बन करके रह गया है, 3:30 बजे तक खाली एकदम बिल्कुल फोटो सेशन चलता है, उसके बाद आधा घंटा में कहते पंडित जी जल्दी निपटाना, देखना सुबह जल्दी। अब पंडित जी भी बेचारे, अब उसमें 7 फेरों वचन बतावें कि उसमें जीवन जीने का तरीका बतावें कि उसमें गोत्रोच्चार करावें, हैं? वो भी बेचारे विवाह करा के बगल हो जाते हैं। लेकिन विवाह पद्धति में लिखा है कि ततः बरह कन्यायाम हृदयम आलभेत, अब बर कन्या के हृदय को आलभेत करे। तो अब मान लीजिए पशुन आलभेत के भाव से अगर इसका अर्थ लगा लिया जाए, तो पंडित जी ने जैसे कहा कि ततः बरह कन्यायाम हृदयम आलभेत, बस दुल्हा उठाया चाकू और दुल्हन को आलभेत, और जब दुल्हन को आलभेत तो कहा सुनी के है नहीं, देखा देखी बात, और दुल्हन दुल्हा मिल गए, फीकी पड़ी बरा। अच्छा, आजकल विवाह में सबसे ज्यादा महत्व किसका होता है? बोलिए, बराती 500 हो और दुल्हा न पहुंचे तो बरातियों का कोई सम्मान नहीं, और दूल्हा पहुंच जाए चाहे एको बराती ना पहुंचे, बोले भैया द्वार पूजा वार पूजा कराओ, बाद में जो आएगा पानी दाना पिएगा, खाएगा, जाएगा अपने घर। देखिए वेद में एक श्लोक लिखा हुआ है, क्या? प्रस्थम कुमारी का मांसम आने, एक गुरु अपने चेला से कहता है बेटा 1 किलो कुमारी का मांस ले आओ। चेला घबराए, हे भगवान गुरु जी पागल हो गए हैं, कुमारी का मांस मांग रहे हैं, गुरु जी क्या करोगे? बोले दवाई बनाएंगे। अब चेला विचार करने लगा कि आखिर गुरु जी कहना क्या चाहते हैं, तब पता लगा ओहो हमारे यहाँ एक पौधा होता है जिसका नाम है ग्वारपाठा, हिंदी में जिसको कहते हैं घी कुमार, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं एलो वेरा, उसका जो गूदा होता उसको कहते हैं मांस, उससे दवाई बनाई जाती है जिसका नाम है कुमारिया सौ। अब अगर चेला ना विचार करता और गुरु जी कहते कि जाओ प्रस्थम कुमारी का मांसम आने और जा किसी कन्या का मृत्यु कर देता, वध कर देता, तो गुरु चेला दोनों जाते कि नहीं जाते? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इस नाते शास्त्र ने कहा कुछ और लोग करते हैं कुछ। नारद जी ने समझाया कि जैसे आत्म माया में फंसा है ना, ऐसे एक राजा था जिसका नाम था पुरंजन। श्रीमद् भागवत के 4th स्कंद के 25वें अध्याय में इसकी कथा आती है। क्या नाम था? पुरंजन। और इस प्रसंग को बड़े भाव से सुनना बड़ा ही आनंददायक प्रसंग है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।
तो पुरंजन नाम का राजा था। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहक्षवा। एक दिन अपने मित्र अभिज्ञात के साथ ये घूमने गया, हिमालय की तलहटी में पहुंच गया। तो हिमालय की तलहटी में पहुंचा तो देखा कि एक नगर दिखाई पड़ा जिसमें 9 द्वार हैं, और मनुष्य के शरीर में कितने द्वार हैं? 9 द्वारे पूरे देहि। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि मनुष्य के शरीर में भी तो 9 ही द्वार हैं। तो 9 द्वार की नगर में जब पहुंचा तो देखा कि महाराज तमाम पक्षियों और भौरों का झुंड है, उसमें एक जलाशय है, उसमें एक बड़ी सुंदर सी स्त्री है, 10 नौकर हैं, 100-100 स्त्रियां, 5 फन वाला सांप। तो राजा ने जाकर के पूछा कि देवी आप कौन हैं? उसने कहा महाराज जब से हम पैदा हुए हम यही नहीं जाने कि हम कौन हैं। कहा कुछ तो नाम होगा। अरे कहा जब कोई नाम रखेगा तब तो पता चलेगा कि नाम क्या, हमारा तो कोई नाम ही नहीं है। तो राजा ने कहा मेरा नाम है पुरंजन, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा नाम पुरंजनी कर दिया जाए। उसने कहा ठीक। अब पुरंजन ने पुरंजनी से विवाह कर लिया, और जब पुरंजन ने पुरंजनी से विवाह कर लिया तो इसकी अनेक संतान हुई। अब तो ये हर क्षण केवल उसी का ध्यान देता रहता कि कभी ये निराश ना हो जाए, हमेशा उसी को प्रसन्न करने का भाव रखता। और प्यारे एक दिन ऐसे हास परिहास में समय बीतने लगा और इसकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो नारी का चिंतन करते करते मरा, इस नाते अगले जन्म में यह नारी ही बन करके पैदा हुआ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मलयध्वज नाम के राजा के साथ इसका विवाह हो गया। और जब मलयध्वज नाम के राजा के साथ इसका विवाह हो गया, एक दिन राजा को उसके शत्रुओं ने आकर के मार डाला। और जब शत्रुओं ने मार डाला तो यह परंपरा के अनुसार सती होने जा रहा था, जो राजा रानी का चिंतन करते करते रानी बन गया था, ये सती होने जा रहा था। तो जो उसका मित्र था जिसका नाम था अभिज्ञात, उसने आकर के समझाया क्या करने जा रहे हो? का मेरा पति मारा गया। तो श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 28वें अध्याय के 60वें श्लोक में लिखा हुआ है कि उसने समझाया, क्या समझाया? बोले ना तुम विदर्भ दुहिता ना ये वीर सुहत्तवा, ना पतिस्तम पुरंजन्या रुद्धो नव मुखे मया। ना तुम राजा हो ना तुम रानी हो, तुम तो शुद्ध शाश्वत चिन्मय आत्मा हो, तुम्हारा पाप और पुण्य से कोई संबंध नहीं है। शरीर का संबंध पाप पुण्य से है, आत्मा का संबंध पाप पुण्य से नहीं है। और ऐसा उपदेश दिया कि इसको तुरंत ज्ञान हो गया, राजन वो राजा तुम ही हो, जैसे वो माया में फंसा था वैसे तुम माया में फंसे हो। तो बोले महाराज तो अब हम कैसे इससे मुक्ति पावे? तो कहा अगर मुक्ति पाना चाहते हो तो एक काम करो, गोविंद नाम स्मरणम, गोविंद नाम स्मरणम भोज दुखम गमिष्यति। ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का स्मरण करो, दुख अपने आप चला जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए मनुष्य के शरीर की जितने अंग है ना, इस अंग का उपयोग धर्म कार्य के लिए करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कैसे? बोले तज्जन्मतानि कर्माणि तदा पुनस्ते मनोवच निर्णायने विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वर। आपका मन, आपकी वाणी, आपका आयु तभी सफल है जब आप अपना जीवन भगवत चर्चा में लगावे, तब आपका जीवन, आपका आयु, आपकी वाणी सफल है। और रामचरितमानस में भी यही लिखा है कि करनी ते करही राम पद पूजा हरि तज की मुक्ति काज नहीं दूजा। राम पद पूजा हरि तज की मुक्ति काज नहीं दूजा।
दी है आपको ठोकर से बचने के लिए और सर दिया सरकार के चरणों झुकाने के लिए और पांव दी है आपको प्रभु धाम जाने के लिए और दिल दिया भगवान का छवि दिल में बसाने के लिए और नेत्र दी है आपको प्रभु दर्श करने के लिए और हाथ दी है आपको सत्कर्म करने के लिए। बोलिए ये एक भी अंग बताइए जो अनुपयोगी हो। बोली सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन उसके बाद एक बार कलयुग में एक व्यक्ति तपस्या कर रहा था तो ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। उसने कहा ऐसा वरदान दे दीजिए कि हमको 10,000 कान दे दीजिए जैसे पृथ्वी जी को दिया था। तो बोले भैया पृथ्वी जी तो 10,000 की कान की शक्ति इसलिए मांगे थे कि जहां जहां भगवत चर्चा हो उस कथा को हम सुने। तो तुम 10,000 कान की शक्ति क्यों मांग रहे हो? कहा सरकार जहां जहां संसार की निंदा हो वहां बैठकर सुने। अच्छा सही से बताइए कथा अच्छी लगती है कि निंदा? बोली भक्तों को कथा अच्छी लगती है लेकिन जिसको निंदा प्रिय है ना उनके सामने आप किसी की निंदा करो तो सामने एक तरफ महाराज 56 प्रकार का व्यंजन रखा हो तो 56 प्रकार के व्यंजन का स्वाद भी फीका पड़ जाएगा निंदा के चक्कर में। बोली सच्चिदानंद भगवान की। और एक बात बता दे दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई पाप है भगवान कहते हैं जिस पाप को मैं भी कभी क्षमा नहीं करता उस पाप का नाम है निंदा। ना किसी की करिए और ना किसी की सुनिए क्योंकि निंदा करने वाले और निंदा सुनने वाले ये अश्वमेध यज्ञ भी कर दें तो शास्त्र में लिखा है ये कभी मुक्त नहीं हो सकते। बोली सच्चिदानंद भगवान की। ये ध्यान रहे चतुर्थ स्कंद विश्राम हुआ पंचम स्कंद में हम सब प्रवेश करते हैं। महाराज मनु के दूसरे बेटा हैं जिनका नाम है प्रियव्रत। अच्छा अब आप लोग प्रियव्रत का मतलब जानते हैं। प्रिय माने होता है अच्छा और व्रत माने होता है प्रतिज्ञा। आप सभी कथा सुन करके अथवा जहां तक दूर ध्वनि के माध्यम से आवाज जा रही है अगर कथा सुन करके व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे संकल्प ले ले तो वही क्या बन जाएगा? प्रिय व्रत बन जाएगा। अच्छा आजकल तो हमारे यहाँ इतना व्रत होता है एकादशी पूर्णमासी सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार जन्माष्टमी नवरात्रा। लेकिन सारे व्रत को लिया कभी इस व्रत को नहीं लिया कि आज से हम किसी की निंदा नहीं करेंगे आज से हम किसी की अवहेलना नहीं करेंगे आज से हम कभी किसी पर कुदृष्टि नहीं करेंगे आज के बाद हम किसी के प्रति हिंसा का क्रोध का भाव नहीं रखेंगे। अच्छा अगर यह भी व्रत ले लिया जाए तो बताओ सारा व्रत आपका पूर्ण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन समस्या क्या है सारे व्रत लोग ले लेते हैं लेकिन जब ये व्रत लेने की बारी आती है तो संकल्प टूट जाता है। जिन लोगों ने धर्म को छोड़ा हमने उनको छोड़ दिया और रघुबर को बस अपना माना उनसे नाता जोड़ लिया। एक जगह तो हम लोग कथा कर रहे तो एक सज्जन आए तो ऐसे सिगरेट पीते हुए जैसे कथा में आए बस बहा दिया सिगरेट को। हमने पूछा कि भैया ये सिगरेट फेंक काहे दिया? गुरुदेव ज्ञान हो गया बड़ा गलत चीज है नहीं पीना चाहिए। आपकी कथा में 3 दिन से सुन रहा हूं आज मुझे